खुश। चलिए बताइए क्या हालचाल है आप लोगों का। सबसे पहले तो ये बताइए, आज एक दो सवाल पूछना है, कुछ बताना भी है। आज के क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, यह बात जान लीजिए। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, एकदम मज़ेदार चुटकुला वाला। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग को आज के क्लास में कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ऐसा आज का क्लास होने वाला है। लगभग 300 लोग जुड़ गए हैं और 348 लाइक आ गया है, क्या बात है। कहे ही थे कि 300 लाइक लाइए, हम आ चुके हैं। वेरी गुड। सबसे पहले ये बताइए, नमस्ते विद्या, अर्जु, साहिल, पंकज, निधि, अमृता, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को हर हर महादेव। शुक्ला जी से बात करना छोड़िए, प्रत्यूष डिविलियर्स, और हम आ गए हैं तो हमसे बात करिए, ठीक है। बताइए सबसे पहले, इंग्लिश की मैम कैसा पढ़ाएं? ये हम नहीं पूछेंगे कैसी लगी, ये बताइए कैसा पढ़ाएं, मज़ा आया कि नहीं पढ़ के? इंग्लिश की मैम से पढ़ के मज़ा आया कि नहीं? अरे खर वाले टीचर चले गए, अब 15 दिन के बाद मिलेंगे खर वाले टीचर, अब मैम से पढ़िए। बताइए, मस्त लगा, वेरी गुड। और क्या चाहिए, मतलब मैम से पढ़ने के बाद आनंद आ गया। यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाई, वेरी गुड। चलिए, मज़ा आया पढ़ के ना? इसी तरह से टीचर से पढ़ के मज़ा आना चाहिए, पढ़ने के बाद लगे कि कुछ सीखे। सिर्फ मज़ा ही नहीं लेना, ये भी बात जान लीजिए। लैंग्वेज में कुछ लोग सिर्फ मज़ा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ये गलती कभी मत करिएगा। टीचर से सीखिए, वो आपको सिखाने आए हैं, पहले से प्रिपरेशन करके आए हैं। कोई भी यहाँ पर आता है आपके सामने तो बहुत मेहनत करके आता है कि आपको अपना वो 100% से ज़्यादा दे सके। तो आपको गेन करना है कि आप कितना गेन कर पाते हैं। इस कारण इंग्लिश का क्लास सिंसियरली पूर्वक करिए। और एक बात मैं और अभी ही बता दूं आप लोग को, जितना लोग जुड़े हैं उतना ही, आज शाम में एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है सूरज सर के क्लास में। आप लोग को लिए ना एक अभी वो रिवील करते हैं, इसे हम सीक्रेट रखे हुए थे कि सर सीक्रेट था, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं, वो आपके लिए एक शॉर्ट मूवी बनाए हैं, आप ही लोग के ऊपर, आप लोग के लक्षण के ऊपर, जो आजकल आप लोग करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बस इतना ही हिंट आपके लिए काफ़ी है, शॉर्ट मूवी है, देख लीजिएगा शाम को। आप लोग जो बवाल करने वाले हैं ना, कर रहे हैं, वो इसी के ऊपर शॉर्ट मूवी है। चलिए, तो आज का क्लास शुरू किया जाए क्या? बहुत मिस कर रहे हैं विकास सर को, स्वाति जी। कोई बात नहीं स्वाति, आ जाएगी विकास, आ जाएंगे विकास सर, मिस मत करिए, आ जाएंगे आ जाएंगे। तब तक मैम से पढ़िए, कोई बात नहीं। शुरू किया जाए तो बताइए, हमको इशारा करिए, इंडिकेट करिए कि हाँ सर आज का क्लास शुरू किया जाए। 450 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, इंडिकेशन दीजिए हमको, कैसे देते हैं? हाँ बिल्कुल, थम्स अप करके, वेरी गुड। आज का क्लास देखिए, आज का क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। आपको पता होगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कुछ लोग इसको बहुत इजीली लेते हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आता है, और अगर आप उसे गलती कर दिए तो इसका अर्थ यही है कि आपका सर्वनाश होना तय है, क्योंकि यह इतना आसान टॉपिक आपको 3 नंबर गेन करता है, और अगर आप गलत करते हैं तो 4 नंबर आप निगेटिव में चले जाते हैं, ठीक। 1 नंबर निगेटिव वाला और 3 नंबर आपका सही जो हुआ था वो गलत हुआ। तो इस कारण आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और मैं आपको बताया ना कि आज के क्लास में कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पेन भी नहीं उठाना है, बस दिमाग चलाना है और आंसर देना है। कैसे? चुटकियों में, ऐसे चुटकी बजाएंगे आंसर आपके सामने, ऐसा आज का क्लास होने वाला है। ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे, लाजवाब क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण। इसमें क्या होता है कि आपके सामने ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो समान गुणों वाले होते हैं। जैसे देखिए, शेप में समान रहेंगे, साइज में, कैटेगरी में, कलर में, ट्रेट में, इन सब में क्या होगा, 3 ऑप्शन एक टाइप के रहेंगे और 1 ऑप्शन सबसे डिफरेंट होगा। तो आपको अलग ढूंढना है, क्या करना है, अलग ढूंढना है। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं, मुझे पता है आप लोग का सारे एक लक्षण पता है, कमेंट बॉक्स देखते रहते हैं हम, तो सब कुछ में अलग एक ढूंढते हैं कि नहीं, कहीं मार्केट में चल दिए तो एक अलग ढूंढते हैं। तो उसी प्रकार से यहां भी आपको मार्केट वाला ही काम करना है, कुछ डिफरेंस, कुछ अलग ढूंढना है। समझ में आ रही है बात जो हम बता रहे हैं,
कुछ डिफरेंस ढूंढना ही है, तो वही डिफरेंस यहाँ पे, तो मार्केट में तो ढूंढ लेते हैं तुरंत, लेकिन यहाँ पर जब दिमाग लगाने के लिए आएगा तब देखिए आज कितना लोग सही बनाते हैं। आज हम लोग लगभग 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में मुझे सबका चाहिए कि आप लोग का कितना सही हुआ, यह बात एकदम तय मान लीजिए और आप लोग को बताना है। तो कुछ अलग, बिल्कुल पंकज, कुछ अलग ढूंढना है, वही कुछ अलग ढूंढने का चैप्टर है। तो देखिए इसमें एक और क्या है कि क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से तीन तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वर्ड से रिलेटेड, एक अल्फाबेट से और एक नंबर से, तीन टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। चार शब्द रहेंगे उसमें तीन एक साथ एक समान होगा, चार अल्फाबेट रहेंगे अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसमें तीन एक समान रहेगा, चार नंबर्स रहेंगे उसमें तीन एक समान रहेंगे। ठीक, तो आज जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं, आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, शब्दों का संसार में आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, उसमें कुछ अलग ढूंढने जा रहे हैं। तो अलग ढूंढने के लिए अपना दिमाग चलाना शुरू करिए। आपके लिए पहला क्वेश्चन आ गया, देखिए नेकलेस है, ऑर्नामेंट है, बैंगल है, रिंग है, हार आभूषण, चूड़ी, अंगूठी, तो बताओ महारथियों कि इसमें सबसे अलग आपको कौन ढूंढता है, कौन इसमें अलग दिख रहा है? पापा की परियां ज्यादा ढूंढती है। हाँ, पापा के परों भी कम नहीं है, मुझे पता है आप लोग के बारे में हर एक लक्षण। ऑर्नामेंट देखिए, कुछ लोग ऑर्नामेंट कह रहे हैं, कुछ लोग बैंगल कह रहे हैं, चूड़ी अलग है इसमें, हार अलग है, क्या अलग है भाई, आभूषण अलग है। आंसर आना चाहिए, आज कमेंट बॉक्स नहीं रुकना चाहिए, उसका स्पैम लगातार चलते रहना चाहिए, आज का ऐसा सेशन है कि कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, आपको जो लगे अलग वो आपको यहाँ पे लिखना है कि सर हमको ये अलग लग रहा है, अगर आप बता सकते हैं कि वो क्यों आपको अलग लग रहा है तो हमारे लिए और बेहतर है। कुछ लोग इसका ए बी सी डी, अरे बैलो ये क्या कर दिए तुम लोग यार, पहले क्वेश्चन में ए बी सी डी सब ऐसे, देखिए यहाँ पे हार है, चूड़ी है, अंगूठी है, ये तीनों तो एक टाइप का ऑर्नामेंट ही है ना, हार है, बैंगल है और रिंग है, ये तीनों एक टाइप का ऑर्नामेंट ही है। ऑर्नामेंट मतलब हो गया सबका आभूषण, जितना आभूषण है, चाहे कान का पहनो, नाक का पहनो, हाथ का पहनो, मुंह का पहनो, जितना तरह का आभूषण होता है सब, तो एक प्रकार से ये सब सब क्या हुआ, एक ग्रुप में आ गया, और इन सब का राजा कौन हो गया, आभूषण, तो ये सब सब सेनापति हो गए और ये क्या हो गया, राजा हो गया, तो ये सबसे अलग हो गया, तो ऑर्नामेंट इसका सही जवाब है, ऑर्नामेंट इसका सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए आगे, आभूषण से ही तीनों बनेंगे, बिल्कुल दीपक सही बात है, आभूषण से ही तीनों बनेंगे, इस कारण ये तीनों एक समान हो गए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बताइए, अलमीरा, रैक, सेफ और कपबोर्ड, अभी जरा सा हल्का सवाल है लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल का लेवल बढ़ेगा, मजा आने वाला है क्लास में। तो सबसे पहले सबको बता दीजिए, शेयर अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, लगा दीजिए अपने स्टेटस पर, दिखा दीजिए कि आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मजेदार है। बताइए अलमीरा, रैक, सेफ और कपबोर्ड में अलग कौन है, बताइए एकदम उचित लॉजिक के साथ बताना है। अलमीरा, रैक, सेफवार्ड और कपबोर्ड, अलमारी, रैक, तिजोरी और लकड़ी का अलमारी, इसमें अलग कौन है? बहुत लोग रैक बता रहे हैं, बहुत लोग तिजोरी भी बता रहे हैं, एक लॉजिक होना चाहिए। रैक और तिजोरी में देखिए मार होना शुरू हो गया है, रैक और तिजोरी में आप लोग मार करवा दिए एकदम, कौन सही होगा उसका सही जवाब तो यहाँ पर आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग वेरी गुड बाबू, बात यह है कि इसमें सबसे अलग रेक है। सबसे अलग रेक क्यों है? क्योंकि इन सबको बंद किया जा सकता है, इनको बंद किया जा सकता है, इसको बंद किया जा सकता है, लेकिन रेक को बंद नहीं किया जा सकता है। अपने घर में जो देखे हैं जहाँ पे सामान रखा जाता है वो सब अगर बंद हो जाए तो उसको अलमारी बोलते हैं, अलमीरा बोलते हैं, वही जब खुला रहे तो उसको रेक बोलते हैं। ये सब कॉमन चीज़ भी जानिए, आगे जब आप लोग घर वगैरह बनाएंगे तो आपको काम देगा। ये मत कह दीजिएगा कि अलमीरा बना दो और बना देगा रैक मिस्त्री, तो आप लोग कहेंगे ये सर ये का कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दीपक, जिसमें रेक नहीं होता, जिसमें गेट नहीं होता वही रेक है। तो आइए अब इसका बताइए, करेक्शन, इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट और एलिवेशन, सुधार, संशोधन, उन्नति और उन्नयन, इनमें कौन अलग है, इसमें कौन अलग है? आज एकदम एक भी सवाल, हर एक बच्चा आज कमेंट करेगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसमें कहेगा सर आज हमको बनाने नहीं आया, हमसे बनता नहीं है, हमारा दिमाग नहीं काम करता है। इसमें क्या अलग दिमाग काम करना यार, अलग पहचानना है, बाकी सब जगह तो अलग बहुत अच्छे से पहचान लेते हो कि ये वाला अलग है, ये अलग है, और यहाँ पे अलग पहचानने में आप लोग का दिमाग इधर उधर हो जा रहा है, कोई ए कहोगे, कोई बी कहोगे,
बिल्कुल सही बात है, रेक बंद नहीं होता, दिमाग का धागा खुलना चाहिए। इसका बताओ, एलिवेशन एलिवेशन एलिवेशन, कुछ अलग बेटरमेंट देखो आया है। शुभम गुप्ता का बेटरमेंट आया है, वर्तिका सिंह का बेटरमेंट आया है। जल्दी बताओ इसका क्या सही जवाब है, इसका सही जवाब बताओ, क्या सही जवाब है इसका। कुछ लोग डीसी डीसी, इसमें भी डीसी में कंफ्यूजन कर दिए तुम लोग यार। देखो, करेक्शन मतलब सुधार, इंप्रूवमेंट मतलब संशोधन, और बेटरमेंट मतलब उन्नति। एक तरह से ये सभी आपके प्रोग्रेस के तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आपका क्या है यहाँ पे, करेक्शन मतलब सुधार है, इंप्रूवमेंट मतलब संशोधन है, बेटरमेंट मतलब उन्नति। ये सब सब ऊपर की ओर ले जा रहा है, एक तरह से प्रोग्रेस का है। और एलिवेशन है ये उन्नयन है, ये प्रोग्रेस की तरफ आपको नहीं, पूर्णता नहीं दिखा रहा। ये लगभग चारों शब्द एक समान है, लेकिन इसमें भी अगर आपको अलग ढूंढने के लिए कह दे बच्चों, तो इन तीनों को देखिएगा, करेक्शन इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट, ये तीनों अपने आप में सुधार करने की बात है, अपने आप में सुधार करने की बात है। लेकिन एलिवेशन है कि डायरेक्ट एलिवेशन मतलब सीधे ऊपर है, इस प्रकार से एलिवेशन, तो ये सबसे अलग हुआ। इस कारण डी जिनका भी है वो बिल्कुल सही जवाब है उनका। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन का झड़ी लगा देंगे, आप लोग को बस बताना है। बफरिंग टफरिंग नहीं हो रहा है, मजाक मत करो, अलग ढूंढने के लिए कह रहे हैं तो बफरिंग आ रहा है, दिमाग के नाम पे कुछ नहीं है क्या। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, आज चुटकी बजा और जवाब आना चाहिए। देखिए कुछ लोग का क्यूब आ रहा है, कुछ लोग का स्क्वायर भी आना शुरू, क्या बात है यार। चंदन तस्कर आ गया चंदन तस्कर, ठीक है बीरप्पन आ गए हैं तो जवाब दीजिए जरा सा, और भी अपने साथी डाकू को भी लेते आइएगा, जितने लोग हैं, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग बढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे सर्व शिक्षा अभियान, जरा सा कमेंट बॉक्स में बताना कि कब लाए थे, देख ले आप लोग का। त्रिभुज अलग है, क्यूब अलग है, अरे यार ऐसे करोगे क्या, त्रिभुज अलग है, क्यूब अलग है, स्क्वायर को भी कुछ लोग दे ही दो आंसर, काहे नहीं दोगे। कुछ अच्छा सोचो, दिमाग ऐसा लगाओ जो वाकई अलग दिखे, नहीं तो फंस जाओगे बाबू सब जगह पे। सही में जो अलग दिखे उसको चूज करना है, ऐसे ही जब चूज कर लिए ना तो सही में फंस जाओगे। यहाँ पे देखिए, रिक्टेंगल स्क्वायर क्यूब और ट्रेंगल है, इसमें अलग क्या है, तो इसको देखने के लिए आपको देखें कि अच्छा ये तो तीन गो से बना है, ये तो चार से बना है, तब तो ये भी चार से बना, ये तीन से बना, ये भी चार से बना है, अलग क्या हुआ। अलग इसका ये रहेगा हीरो बाबू कि ये क्यूब सबसे अलग है। क्यों क्यूब सबसे अलग है, क्योंकि क्यूब जो है 3D आकृति है, ये तीन डायमेंशन है, त्रिपिमीय है हिंदी में कहिए तब, ये 3D है, बाकी सब 2D है, बाकी सब क्या है 2D है, सिर्फ यही जो क्यूब है यही एक 3D है, देख लीजिए आपके सामने हम पार दिए, जो रीजनिंग पढ़े वो जानते भी होंगे 3D को। बात समझ में आई, मजा आ रहा है तो एक बार जरा सबको लाइक करके बताइए, थम्स अप करके बताइए कि अगला क्वेश्चन लाया जाए। त्रिभुज तीन भुजाएं होती है, बाकी में चार भुजा, अरे दीपक सिकंदर बैल, कब से क्यूब में चार भुजा होने लगा जरा बताओ तो हमको, एकदम शुद्ध हो क्या, क्यूब में चार भुजा है, बारे बाह। ये सब सब अभी जाके फिर से पांचवा क्लास में एडमिशन करवा देंगे पापा को फोन करके, कि जाइए इसका पांचवा क्लास में एडमिशन करवाइए, ये कह रहा है कि क्यूब में चार भुजा होता है। वेरी गुड, बहुत सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए इसका बताइए, चिल्लाना सुबकना रोना और हंसना, क्राई सॉब बीप और लाफ, इसमें कौन सही है, जल्दी बताइए इसका, हम आप लोग का कमेंट देख रहे हैं, जल्दी बताइए इसका क्या सही है। हाँ एकदम विशुद्ध जट हो यार तुम लोग, एक भी आंसर नहीं है अभी तक जिसमें सब बच्चा एक कमेंट करे, सब कुछ किसी को अलग पहचानने नहीं आता है, सब लोग फंस जाओगे देख लेना, डिफरेंस नहीं लाओगे तो फंस जाओगे। हाँ जो भी तुम लोग कर रहे हो वही इसका आंसर है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए इसका जवाब। सही बात है आप लोग का, सही एकदम बिल्कुल कह रहा है कि हंसना है जो सबसे अलग है, ये तीनों एक तरह से दुख प्रकट कर रहा है, चिल्ला रहा है, सुबक रहा है, रो रहा है, ये सब ममाज बॉय और पपाज परी का ये सब मुख्य रूप से रहता है, चिल्लाना सुबकना रोना, ये सब सब है गांव के अलहड़ देहाती लोग के लिए, हंसते हैं सब दांत चिहार के। इसका जवाब दीजिए, ये जरा सा आ गया, देखिए आप लोग कितना ज्योग्राफी पढ़े हैं, जरा सा हम भी देख लें, क्रस्ट मेंटल कोर वोल्केनो, ये इसमें कौन अलग है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसमें कौन अलग है। आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राजा राम कह रहे हैं लाफ, वेरी गुड, सही है,
वेरी गुड, सब सही, बिल्कुल सही। इसका बताइए, छठा नंबर क्वेश्चन का बताइए, क्या अलग है? क्रस्ट अलग है, वोल्केनो अलग है, मेंटल अलग है, कोर अलग है? वोल्केनो बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग की इच्छा है ज्वालामुखी। क्यों ज्वालामुखी भाई? ज्वालामुखी काहे? ज्वालामुखी क्यों? ज्वालामुखी इसलिए गुरुजी, क्योंकि क्रस्ट, मेंटल और कोर है जो अर्थ का पार्ट है। अंदर की ओर जब हम लोग जाते हैं तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, देखिए रीजनिंग इसीलिए कहा जाता है कि यथा महासागर है यह, इसमें हर एक विषय का एंट्री है, अलग टॉपिक वाइज। इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल भी है, सब कुछ है इसमें। इस कारण यह कहा यथा महासागर है, और अपने दिमाग को यूज करके इसमें बनाना है। तो देखिए ज्योग्राफी आ गया, जिसको ये नहीं पता रहेगा, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, तो उसमें कुछ लगा देगा टक्कर 150-150। जय श्री राम बी हो गया, जय श्री राम सी हो गया। तो इसका लिए नहीं, जय श्री राम डी इसका सही जवाब है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और इसका बताइए। आइए जरा सा ज्योग्राफी का टेस्ट ही आप लोग का हो जाए। सैंडस्टोन, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और प्यूमाइस, क्या इसमें अलग है? बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और कुरून पत्थर, इसमें अलग कौन है बताओ जल्दी से, इसमें अलग कौन है? वेरी गुड, सही है आप लोग, जय श्री राम करके नहीं टिक लगाना है, दिमाग लगा के। वर्तिका कहाँ गई? अरे यार हम यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं, तुम वर्तिका को खोज रहे हो, वर्तिका तो सही जगह पहुंच जाएगी, तुम भटक जाओगे। जल्दी इसका जवाब दीजिए, जल्दी इसका जवाब दीजिए। सैंडस्टोन अलग है कि बेसाल्ट अलग है, ग्रेनाइट अलग है, क्या अलग है इसमें? बहुत सारे का देखिए एबीसीडी करना शुरू कर दिए, एक क्वेश्चन हल्का सा आए नहीं। प्यूमाइस जानते हो? जो प्यूमाइस जो लोग बोल रहा है ना, उस काहे हम बोलते हैं, हम बताते हैं काहे वो लगा रहा होगा। प्यूमाइस का नाम नहीं सुना होगा, ये लग रहा अच्छा इसका नम्मा कुछ अलग है इस सबसे, इस कारण प्यूमाइस मार देते हैं। बैलो पहचानना था इसमें, पत्थर के बारे में कह रहा है, ज्योग्राफी के बारे में। प्यूमाइस, प्यूमाइस, तब आप लोग इतना तेज कोई है थोड़े, यहाँ पे प्यूमाइस हो रहा है। बताइए इसका जवाब, प्यूमाइस अलग दिख रहा है तो ही मारने में लगे हुए हैं बैल कहीं के, जल्दी बताइए। अरे बाबू इसका सही जवाब सैंडस्टोन है, इसका सही जवाब कौन है? सैंडस्टोन है। पत्थर पढ़े हो ज्योग्राफी में, ये तीनों जो हैं आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का नाम सुने हो कि नहीं तुम लोग? आग्नेय चट्टान का नाम सुने होगे, आग्नेय चट्टान है ये सब। ये सब सब किससे बनते हैं आग्नेय चट्टान, ये भी हम कुछ आपको बता दे। जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे मैग्मा निकलता है, और मैग्मा जब ठंडा होता है तब इस चट्टान का निर्माण होता है। तो ये तीनों आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है, और ये सैंडस्टोन है जो आग्नेय चट्टान नहीं है, ये सेडिमेंटल रॉक है। इस कारण क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। तो ज्योग्राफी भी पढ़ा कर ये रीजनिंग के साथ साथ, इसी कारण मैं कहता हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है हल्के मत लीजिए, इसमें सब कुछ का यूज है, हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इटली, बेविन, चैम्बरलिन और चर्चिल। आइए जरा सा पॉलिटिकल साइंस में देख लिया जाए आप लोग का कितना पानी में है, देख लिया जाए। सैंडस्टोन बिल्कुल, वेरी गुड, अभी तक एक ज्वालामुखी में है। अरे यार अपना लाइव करो, तेज करो जल्दी से, इसका जवाब दीजिए। इटली, बेविन, बेविन, चैम्बरलिन और चर्चिल, इसका सही जवाब क्या है? जवाब आते रहना चाहिए। थैंक यू बराक ओबामा, आ ही गए, देखिए आप ही को हम खोज रहे थे, बराक ओबामा नहीं आए थे पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था, आ गए आप लोग, अब ठीक लग रहा है। देखिए बीरप्पन भी है, बराक ओबामा भी हैं, सब लोग हैं, दिमाग जहाँ लगाना है वहाँ पे चैम्बरलिन, कुछ लोग कह रहे हैं चर्चिल, कुछ लोग कह रहे हैं बेविल, और कह दीजिए महात्मा गांधी भी कुछ लोग लिख दो इसमें, और क्या ऑप्शन में नहीं है फिर भी लिख दो। चैम्बरलिन कह रहे हैं राजा राम, और कौशिक सिन्हा सी कह रहे हैं चैम्बरलिन, चैम्बरलिन है। जल्दी बताओ चर्चिल, चैम्बरलिन, बेविन, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ही, जल्दी बताइए। अरे बाबू इसका सही जवाब बेविन है। बेविन क्यों है? क्योंकि इटली, चैम्बरलिन और चर्चिल ये तीनों ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम के पीएम रह चुके हैं। अब जरा सा मेरे सवाल का जवाब दो, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? ये जीके का क्वेश्चन है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, बताओ कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसी तीनों में से कोई नाम है, जल्दी बताओ, यही तीनों में से कोई नाम है, जल्दी बताइए।
भारत की आजादी के समय एक आदमी इसमें ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था, इसमें एटली जो था बाबू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था भारत की आजादी के समय, ध्यान में एकदम रख लीजिएगा। अब जरा सा चैम्बरलिन के बारे में जानिए, चैम्बरलिन क्या था, चैम्बरलिन के बारे में बताइए जल्दी से बताइए चैम्बरलिन के बारे में। चैम्बरलिन वर्ल्ड वार सेकेंड जब शुरू हुआ था, ये 1937 से लेके 1940 तक ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक। और वर्ल्ड वार सेकेंड जब शुरू हुआ था तो ब्रिटेन के पीएम चैम्बरलिन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और चर्चिल के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है, चर्चिल जो थे गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर कहे थे, क्या कहे थे, अर्ध नंगा फकीर, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चर्चिल 1940 में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बना था, 1940 में, यह बहुत ही उल्टर किस्म का इंसान था। तो ये देखिए आपका जीके भी क्लियर हो गया रीजनिंग में। तो ऐसा ही सवाल आता है आपसे, और बनाइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सब कुछ है इसमें, हाफ नेक्स्ट सेंग बिल्कुल अर्धनंगा फकीर कहा था, तो ये सब ध्यान में रखना होता है। कौन है भाई बुशारा खान, आज का करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं आया, अरे पीडीएफ वालों मिल ही गए आखिर तुम लोग, काहे तबाह करने में लगे हुए हो भाई, लाइव देखा करिए, समझा करिए, जो सूरज सर धागा खोलते हैं नहीं सीखेंगे तो पीडीएफ में ऐसे ही रह जाएंगे, सिंधु वाले, सिंधु रावी जो कर दिए हैं ना वही, कुछ समझिए यार बात को, पीडीएफ वीडीएफ का चिंता छोड़िए, अभी देखेंगे उसका बेनिफिट मिलेगा ना, हम समझाएंगे, जैसे अभी हमारा कोई पीडीएफ देख लेगा तो संभल पाएगा क्या, समझ पाएगा क्या कि इसमें कब था ये, कब था ब्रिटिश ये एटली, कब चैम्बरलिन, कब चर्चिल, वो कभी सीख पाएगा, कभी नहीं सीख पाएगा। इस कारण देखा करिए, लाइव जोड़ा करिए, बताइए आयरन निकिल कोबाल्ट एल्युमिनियम में कौन सही है, आयरन निकिल कोबाल्ट एल्युमिनियम में कौन सही है, देखिए कोबाल्ट भी आ रहा है, एल्युमिनियम भी आ रहा है, इतना सारा आंसर आप लोग एक ही साथ ले आ रहे हैं, बताइए कुछ सही जवाब दो, कुछ सोचो, कुछ नहीं सोचोगे तो हम तो यहाँ सोचवाने के लिए हैं ही, हम यहाँ पे क्या है, सोचवाने के लिए हैं ही। इसका सही जवाब मेरे हीरो लोग एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम। क्यों एल्युमिनियम है सर, क्योंकि ये तीनों जो है ये तीनों चुंबकीय मेटल हैं, मतलब ये तीनों पे मैग्नेट काम करता है, बात को समझ में आ रही है, इस पे क्या काम करता है, इस पे मैग्नेट काम करता है और एल्युमिनियम पे काम नहीं करता है, इस कारण एल्युमिनियम सबसे अलग हुआ। तो ये सब मैटर को भी समझिए बिल्कुल, जिनका भी एल्युमिनियम है बहुत सही, जिनका नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं फिर से हर बार वही बात कहता हूँ, आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आप सीख लेंगे, गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीखना है। यहां पे ये चारों अलग है, कुछ अलग ढूंढिए, कुछ अल्टर सोचिए, अल्टर सोचिए तब अगला सवाल लीजिए। सीमेंट पेस्ट ऑयल और ग्लू, इसमें जिसका गलत जवाब आया, इसमें जिसका गलत जवाब आया सोच लीजिए, अपने आप को एक थप्पड़ मारना पड़ेगा ईमानदारी से, इसका जवाब दो जल्दी से, 10वां नंबर क्वेश्चन का, आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, कोई टाइम नहीं, जल्दी से जवाब दो, 9 में 7 गलत आदित्य गुप्ता, कोई बात नहीं आगे और आने वाला है, आप 50 में 45 गलत करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन अलग ढूंढिएगा जरूर, मार्केट जाएंगे तो अलग दिखेगा, यहाँ पे अलग देखने में आपको इतना ज़्यादा परेशानी है। ऑयल सबसे अलग आ रहा है, अलग आ रहा है, ऑयल सबसे अलग आ रहा है, सब लोग का वही आंसर, देखिए सीमेंट अलग आया ना, सलमा खां का सीमेंट आया, अमृता यादव का सीमेंट आया, अलग आना चाहिए कुछ और क्या, देखिए सीमेंट आ ही रहा है, सीमेंट और ऑयल में यहाँ पे बवाल चल रहा है आपस में, सीमेंट होगा कि ऑयल, सीमेंट कह रहा है मेरा, ऑयल कह रहा है मेरा, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, इसका सही जवाब ऑयल ही होगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, लॉजिक हमारा बेस के साथ होना चाहिए। ऑयल अलग इसलिए होगा क्योंकि सीमेंट पेस्ट और ग्लू ये जो तीनों चीज है किसी को जोड़ने का काम करता है, किसको काम करता है, जोड़ने का, जैसे घर बनाने में ईंटा को जोड़ने का सीमेंट का काम है, पेस्ट का काम होता है जोड़ने का, गोंद का काम होता है जोड़ने का, लेकिन ऑयल कहीं जोड़ने का काम नहीं करता है, इस कारण ऑयल सबसे अलग हो गया। तो लीजिए अगला सवाल आपके सामने आ गया, सेलर ट्रेलर गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ, नाविक दर्जी सुनार और लोहार में अलग आपको क्या दिख रहा है, हाँ कैसे हम बता दिए, जोड़ने का काम आटा है, जोड़ने में काम आता है, आता है भाई, आटा लिखे हो कोई बात नहीं, सीमेंट वाले पीडीएफ वाले हैं कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए,
सबका देखिए ये क्लासिफिकेशन ऐसा टॉपिक है ना कि यह आपके एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट है, जो सोचिए कि आप लोग जाएंगे क्वेश्चन आपके सामने खुलेगा एट अ टाइम दिमाग पे स्ट्राइक करना चाहिए कि वही सही होगा। इस कारण इस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे आज हम 50 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, आप लोग अपने घर में 100-150 क्वेश्चन कर जाइए एकदम गर्दा कि इससे क्वेश्चन आए तो आपके आंखों से गुजरा रहे। बताइए इसका क्या सही है। सेलर सही है, सेलर बहुत लोग कह रहे हैं, नाविक बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग इसका नाविक कह रहे हैं, बहुत लोग इसका नाविक कह रहे हैं। वेरी गुड, इसका सही जवाब है नाविक। आप लोग बिल्कुल सही है। टेलर, गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ ये अलग क्यों हुआ? क्योंकि इसको काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए इसको काम करने के लिए। लेकिन सेलर को काम करने के लिए रॉ मटेरियल का जरूरत नहीं है, वो नाव पे आराम से चला सकता है। इस कारण ये क्या हुआ, ये तीनों अलग हो गए। इस बात को ही गौर करना है। अगर ये सोच के लोग आंसर लगाए हैं तो बहुत सही है, अगर ये सोच के नहीं लगाए हैं, जय श्री राम वाले हैं, तो जय श्री राम ही हो जाएगा एग्जामिनेशन में कि हमारा जय श्री राम होने वाला है। तो लीजिए 12 नंबर आपके सामने आ गया, हाउस, फ्लैट, सोसाइटी और बिल्डिंग। बताइए इसका सही जवाब क्या है। हाउस, फ्लैट, सोसाइटी और बिल्डिंग का सही जवाब क्या है, बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर कुछ कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या अलग है भाई? बिल्कुल आप लोग सही हैं, बहुत सही हैं आप लोग। सोसाइटी सही है क्योंकि ये सब सब रहने का एक जगह है, लेकिन सोसाइटी ये क्या होता है, बहुत सारे लोग को मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन ये सब सब रहने का स्थान है, निवास स्थान को इंडिकेट करता है। बिल्कुल आप लोग सही हैं। और बढ़िए अगले सवाल की ओर। बताइए हाउस, वॉल, रूफ और बीम, इसमें क्या अलग है? कोई इसमें टाइम नहीं देंगे, फटाफट क्वेश्चन करना है, इतना क्वेश्चन कर जाना है कि आप लोग के दिमाग में एकदम आज घूमते रहे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन। बिल्कुल बाकी सब इसके अंडर आते हैं, बहुत सही। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, चुटकी बजा है, जवाब आना चाहिए। हाउस, वॉल, रूफ, बीम, क्या सही जवाब है? आपको दिख नहीं रहा है, उज्जवल गुप्ता दिख रहा है, लेकिन आज सब लोग जवाब दे रहे हैं, सब लोग एकदम फुल फॉर्म में हैं। हाउस है, हाउस इसका, देखिए बीम आ गया, इसका चांदनी कुमारी का बीम आ गया है, इसका हाउस आ गया है, घर, बीम, कुछ भी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। बीम आ गया है, वेरी गुड। इसका क्या है? इसका सही जवाब है हाउस, बहुत सही है आप लोग। इसका सही जवाब है हाउस क्योंकि ये सब सब मिलकर घर का निर्माण करता है, तो ये सब तीनों एक कैटेगरी में आ गया और घर का निर्माण हाउस हो गया, तो हाउस इसका सही जवाब है। आप लोग बिल्कुल सही हैं। अरे हमको तो लग रहा है कि हम आज एकदम हवा में उड़ने लगे, आप लोग इतना अच्छा बना रहे हैं। तो लीजिए 14 नंबर सवाल बनाइए। बियर मतलब भालू, हेडहॉग मतलब क्या होता है? हेडहॉग मतलब कांटेदार जंगली चूहा, डियर मतलब हिरन और फ्रॉग मतलब मेंढक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछ चुका है, इतनी बार ये पूछ चुका है कि पूछिए मत, आपने इसको इसका जवाब देना है। इतनी बार ये पूछ चुका है कि आप इसको पूछिए मत, समझिए इस बात को, इतना बार पूछ दिया है इसको। आप लोग इसका जवाब दीजिए फटाक से। बियर, हेडहॉग, डियर और फ्रॉग में क्या सही है? जो वास्तविक लॉजिक से जवाब देगा उसे, देखिए डी आंसर आ रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग सबसे अलग दिख रहा है कुछ लोग को, और कौशिक सिन्हा है, मेढक का फोटो भी बना दिए हैं। देखिए कमल्यान देवी को बियर अलग लग रहा है, भालू का फोटो बना दिए हैं, डियर अलग लग रहा है प्रत्युष डिविलियर्स को। और जल्दी जल्दी जवाब दो, अरे कमेंट रुक गया यार, दिमाग लगाओ, कुछ अलग ढूंढो, कुछ अलग ढूंढना है। मेढक पानी में भी रह सकता है, बैल बहुत कुछ इसमें पानी में भी रह सकता है, जरूरी नहीं है जंगली चूहा पानी में रहता है, अमेजन के जंगल में जाके देखना कभी। आगे मेढक सिर्फ पानी में रहता है, हैं, चूहा पानी नहीं रहता है, कोई बात नहीं। अलग देखिए, अलग देखिए, इसमें अलग हमारा सही जवाब इसका डियर है। डियर अलग क्यों है? क्योंकि ये तीनों जो है ना बड़ा आराम तलवी नींद लेते हैं। अलग करने का भी देखिए क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग, ये तीनों क्या होते हैं, बड़ा आराम तलवी नींद लेते हैं। सिर्फ अकेले जो डियर है वो इसमें आराम तलवी नींद नहीं लेता है, बिल्कुल सही बात है। काहे अलग है पता है? क्योंकि डियर जो है शांत निद्रा लेता है, हाइबरनेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये शांत निद्रा लेता है, बाकी सब सका ये सब काम नहीं है, बाकी सभी शांत निद्रा लेते हैं, सॉरी बाकी सभी शांत निद्रा लेते हैं और जो डियर है वो शांत निद्रा नहीं लेता है, यह चौचक रहता है, चौकन्ना रहता है कि कहीं शेर आ जाए और उस पर हमला ना कर दे। इस कारण डियर रात में भी सोते समय हमेशा चौकन्ना रहता है, लेकिन इस सबको का टेंशन है, सूत जाते हैं यार, कौन हमको मारेगा।
नॉन वेजिटेरियन वाला ही बात नहीं है बाबू, जो हम बात बताए वो सही है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बात इसको समझिएगा, जो हिरन है वही सिर्फ चौकन्ना रहता है, बाकी सब एकदम आप लोग की तरह खा पी के सूत जाइए रात में, तो कोई फर्क नहीं है कि भूकंप आए चाहे सुनामी आए, हमको सोना है मतलब सोना है, बैल के नींद सूतते हैं। तो बताइए इसी के नाम पे 15 नंबर सवाल बताइए। आज का सेशन मजेदार है तो जरा सा लाइक कर दीजिए, तो मजा आ रहा है कि नहीं? अरे गलत होने दीजिए ना यार, सीखे तो सही, अलग पहचानना है तो कुछ तो गलत करोगे ना, सीधे अलग पहचान लोगे तो कैसे काम चलेगा, कहीं तो धोखा खाओगे, तभी तो नया ज्ञान मिलेगा। जल्दी बताइए इसका, मैं बता चुका हूँ बाटर वाला स्थिति, इसका बताइए। सी इसका बहुत लोग कह रहा है, जैस्मिन, क्रोटन, पोमीग्रेनेट और इक्विलिप्टस। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगातार सी लगा रहे हैं। अच्छा, सब लोग का सी आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब हमको यकीन हो गया कि हम शुद्ध बैल को पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम किसको पढ़ाते हैं, शुद्ध बैल को पढ़ाते हैं। और इधर देखिए इसका सही जवाब है, आप लोग बिल्कुल गलत कर चुके हैं और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में ले डूबेगा। इसका सही जवाब है इक्विलिप्टस। क्या है? इक्विलिप्टस इसका सही जवाब है। तो आप लोग कहेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है, इक्विलिप्टस कैसे हो गया सर? तो हम बताते हैं, सुनो, ये तीनों आपस में झाड़ी है। क्या है बाबू इसको? ये सब सभी झाड़ी के प्रकार है और यही एक अकेला पेड़ है। फल फूल वाले पे मत चला जाइएगा, फल फूल वाले मैटर में मत चले जाइएगा। फल रहता तो ये तीनों को फल रहना अलग रहना पड़ता। अगर ये अलग आपको फल दिख रहा है तो इसमें भी कोई आपको दो राय नहीं है। क्रोटन क्या है? क्रोटन और जैस्मिन जो है एक तरह से झाड़ीदार पौधे हैं। ये जो पोमीग्रेनेट है यह भी झाड़ीदार पौधा है। और ये जो इक्लिप्टस है वो क्या है? एक वृक्ष है। ये क्या है? वृक्ष है। यूकेलिप्टस इसका सही जवाब है। यह बात एकदम गांठ बांध के सुन लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, अगर यह क्वेश्चन आए तो कभी यह गलती मत करिएगा पोमीग्रेनेट लगाने का। इसका सही जवाब क्या है? यूकेलिप्टस। आप लोग में से कौन देखे हैं, कोई देखे हैं यूकेलिप्टस? यूकेलिप्टस का पेड़ पे चढ़े वगैरह हो कोई? जी, अनार का पेड़ भी होता है। अरे पुरुषोत्तम राज, एग्रीकल्चर भी कभी कभी पढ़ा करो यार, ऐसा नहीं है। अनार क्या है? एक स्क्रब है, झाड़ी है, ठीक है, शर्ब्स है, HHRUBS, ठीक। इसका सही जवाब क्या है? यूकेलिप्टस है। BHU में आओगे तो बहुत सारा पेड़ मिलेगा यूकेलिप्टस का। यहाँ मालवीय जी भर दिए हैं यूकेलिप्टस से, एकदम चिकना होता है और बहुत ज्यादा होता है। तो लीजिए अगला सवाल, सवाल में कोई देरी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, जर्मन सिल्वर, इसमें कौन अलग है? कुछ अलग ढूंढो महारथियों, तभी सफलता मिलेगी। कुछ अलग ढूंढने का प्रयास करो, जल्दी से बताइए इसमें क्या सही है। स्टील, ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर में कौन अलग है? कौन अलग है इसमें? स्टील अलग आप लोग कह रहा है। देखो कुछ लोग का जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर वाले जानते हो कौन लोग हैं? जर्मन सिल्वर वाले वही हैं जो अलग दिख रहा है, इसमें सबसे बड़का नाम दिख रहा है जर्मन सिल्वर, वही लगा देते हैं। जय बजरंगबली से काम नहीं चलने वाला है। डी वाले अब ये चेत जाइए, डी के आगे दिल लगा दिए हैं तुषार पांडे, डी के आगे दिल लगाने से सही हो जाएगा? हैं, दिल लगाने से सिर्फ सही नहीं होगा, उसको निभाना पड़ता है। तो इसको बताइए जल्दी से, स्टील ब्रॉन्ज। अरे यार देखो, इसका सही जवाब है स्टील। ये अलग कौन हुआ? स्टील। ये स्टील क्यों अलग है? क्योंकि ये तीनों जो है कॉपर का एलाइड है, कॉपर का मिश्र धातु है। यहाँ पे क्या है? तांबा का मिश्र धातु है। इन सबको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर किसका है? कॉपर का मिश्र धातु है। बाकी सभी है, स्टील जो है कॉपर का नहीं है। जैसे ब्रास है कॉपर प्लस जिंक, जर्मन सिल्वर है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। ये क्या है? कॉपर प्लस जिंक है प्लस निकेल है। ये है कॉपर है प्लस जिंक है। यहाँ पे कौन आ गया? ब्रॉन्ज आ गया। कॉपर है प्लस निकेल है प्लस इसमें क्या है? कॉपर है प्लस निकेल है प्लस ये कॉपर का एलाइड है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? समझ में आई कि नहीं? सिर्फ रीजनिंग नहीं है आज, सब दिमाग का दही निकल जाएगा, सब कुछ दिमाग का दही आज निकलने वाला है। ये सब मत सोचिएगा सिर्फ रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री आ गया आपके सामने, ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बनाइए 17 नंबर इसका सवाल।
बहुत गलत हो रहा है। गलत तो होगा ही ना, कुछ अलग ढूंढना अभी तक नहीं आया है संध्या आपको, गलत तो होगा ही, लेकिन सीखिए। सर आज कैमरे के पीछे को बैठा है, कैमरे के पीछे कौन बैठा है, क्या डीजे वैभव, क्या बात है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कैमरे के पीछे का क्या मतलब है आपका, बताइए जल्दी से इसका जवाब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे देखो रिंकिया के पापा के बहुत कष्ट है यार, रिंकिया के पापा को पीडीएफ चाहिए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, जल्दी बताइए। आ गया इसका जवाब, आया। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और बायोगैस में कौन अलग है, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब है बायोगैस। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बायोगैस। बाकी तीनों जो हैं फॉसिल्स हैं और क्या है, इसको हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जब हजारों साल तक कोई कार्बन युक्त प्राणी या पेड़ या कुछ भी जमीन के नीचे दबे रहते हैं तो उनसे जो मिलता है उसको कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, किन से, उन सब जीवाश्मों से प्राप्त होता है, लेकिन बायोगैस उससे प्राप्त नहीं होता है। इस कारण बायोगैस सबसे अलग है। बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है, बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। और बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, लीजिए स्केच पेपर पोस्टर डायग्राम, इसमें कौन सही है, कैमरे के पीछे पूछने वाले डीजे वैभव बताइए इसका, कैमरे के पीछे कौन है, हाँ यही सब काम करिए आप, और कुछ नहीं है तो कैमरा के पीछे पूछिए, आएंगे तब यहां पता चल जाएगा। क्या बताएं आपको हम, जल्दी पेपर है, कुछ लोग इसका डायग्राम बोल रहे हैं, कुछ लोग पेपर बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सही, पेपर ऐसा ही कमेंट आते रहना चाहिए। स्केच भी आ गया, देखो स्केच पेपर डायग्राम सब कुछ आ रहा है, स्केच पेपर डायग्राम सब कुछ आ रहा है। इसका सही जवाब है बाबू पेपर। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है पेपर। जिनका भी पेपर आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है पेपर, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये तीनों पेपर पे ही डायग्राम किए जाते हैं। इस कारण पेपर इन सबका बेस है, अगर पेपर नहीं रहा तो ये तीनों का कहानी खत्म। वेरी गुड, शानदार, और बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर, लीजिए आपका आ गया क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आ गया जिसमें आपका यूज है, जिसमें आपका यूज है, आ गया क्वेश्चन, बताइए गधा, ऊंट, गाय और खच्चर, डंकी, कैमल, काउ और मूल में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लग रहा है, क्या अलग होना चाहिए, बताइए। 750 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और अभी मात्र 650 लाइक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब, बताओ जल्दी से यार, डंकी, कैमल, काउ, मूल, इसका सही जवाब क्या है, आने लगा, देखो कुछ लोग का गाय आ रहा है, कुछ लोग का खच्चर आ रहा है, कुछ लोग का डी आ रहा है, कुछ लोग का मूल आ रहा है, दत्ता जी कह रहे हैं मूल, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बताइए इसका सही जवाब, हम बताएंगे, टेंशन की बात नहीं, और जो अभी बताएंगे वही बिल्कुल सही होगा, जो अभी बताएंगे वही बिल्कुल सही होगा। भोजपुरिया मीडिया में बीरप्पन को पढ़ना, यार यार तुम आंध्र प्रदेश से भोजपुरी समझोगे, नहीं समझ पाओगे, इसको बताओ जल्दी से इसका क्या सही जवाब है, डंकी, कैमल, काऊ और मूल में सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है हीरो बाबू, इसका सही जवाब है काऊ, इसका सही जवाब है गाय। क्यों गाय गाय सही है, क्योंकि डंकी, कैमल और मूल ये तीनों सामान ढोने का काम करता है, सामान ढोने का काम करता है, लेकिन गाय जो है वह सामान ढोने का काम नहीं करती है, तो ये क्या हुआ, सबसे अलग हो गया, डंकी, कैमल, मूल एक ही कैटेगरी के हैं। बिल्कुल जिनका भी काउ था वो बिल्कुल सही है, जिनका भी काउ था वो बिल्कुल सही है, और यही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, अभी बस लिखते रहिए कितना सही है कितना गलत है, लास्ट में बताइएगा, अभी बस क्वेश्चन बनाते रहिए। लीजिए ब्रोकर, सेल्समैन, कस्टमर और हॉकर, दलाल, विक्रेता, ग्राहक, फेरी वाला में अलग कौन है, अलग पहचानना आपका काम है आज, आज एकदम कलम तक नहीं उठाना है, बस आंसर बताना है, तो इसमें भी किसका देरी हो। निशारा, मेरा तो काव और मूल दोनों था, ऐसा काहे, अरे गुरुजी गजब हैं, गजब तो हैं, इसका जवाब दीजिए। कस्टमर, कस्टमर, ब्रोकर, कस्टमर, ब्रोकर, कस्टमर, ब्रोकर, कस्टमर, ब्रोकर, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, हाँ देखो कि नहीं, कोई टीवी न्यूज़ चैनल देखते हो,
उसमें एक ठो आता है कुछ भी आ? कुछ भी, इसका जवाब दीजिए, कुछ भी नहीं दीजिए, इसका जवाब दीजिए, सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है बताइए। हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब है कस्टमर। आप लोग सही हैं, जिसका सही जवाब है कस्टमर। कस्टमर इसका सही जवाब क्यों है, क्योंकि ब्रोकर, सेल्समैन और हॉकर ये तीनों जो हैं कस्टमर से ही कमाते हैं। किससे कमाते हैं अपना पैसा, किससे कमाते हैं, कस्टमर से ही कमाते हैं। तो कस्टमर इन सभी का बेस है, तो ये क्या हुआ, सबसे अलग हो गया, बाकी तीनों एक ही कैटेगरी में हो गए, क्योंकि तीनों को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए। दलाल अलग नहीं है बेवकूफों, दलाल अलग नहीं है, दिमाग पे जोर दीजिए। हम आपसे कल भी कहे थे कि जो दिमाग आप गिरवी रख दिए हैं दुकान में उसको लाइए और उसका यूज करिए। बताइए इसका सही जवाब, क्रिम्सन, स्कारलेट, बर्मिलियन और रेड, ये जो हिंदी लिखा हुआ है, कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में हिंदी नहीं लिखेगा, सीधे सिर्फ इंग्लिश ही लिख देगा, और इंग्लिश के बगल में क्रिम्सन है तो क्रिम्सन ही लिख देगा, स्कारलेट है तो स्कारलेट ही लिख देगा, बर्मिलियन बर्मिलियन ही लिख देगा, रेड का रेड ही लिख देगा। इस कारण इसको भी समझिए, बनाओ दिमाग की बत्ती जलाओ और आंसर लाओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आज अभी बहुत सवाल है, बहुत सवाल है, अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी और चलेगा, एक मिनट में एक सवाल होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या है, स्कारलेट 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 भर दिए, अलग दिख रहा है क्या स्कारलेट आप लोग को, स्कारलेट अलग दिख रहा है क्या आप लोग को, हाँ सर क्वेश्चन दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, उस सोच को पकड़िए, उसके पास पहुंचने का प्रयास करिए। तीन एक टाइप का खोजना है, तीन एक टाइप का क्या करना है, खोजना है। तो एक बात से हमेशा गौर करिएगा, स्कारलेट ये किसका क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स में कलर एक टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन मत समझ लीजिएगा पचमा छठा वाला। इसमें जो है ये तीनों कलर जो है रेड का ही कंपोनेंट है, ये जो तीनों कलर है वो रेड का ही कंपोनेंट है, क्रिम्सन हो, स्कारलेट हो या बर्मिलियन हो, गुलाबी हो, गहरा लाल हो या सिंदूरी रंग हो, ये तीनों किससे मिलकर बनता है, ये तीनों लाल रंग से ही मिलकर बनता है। एक भी बच्चे का जवाब हमको लाल नहीं मिला था, हाँ कुछ लोग कह रहा था, लेकिन अधिकतर का स्कारलेट गुलाबी गुलाबी गुलाबी, तो वो गुलाबी के ऊपर मत जाइए, जहां गुलाबी पहुंच रहे हैं उसके ऊपर मत जाइए, यहां पे आइए। डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है, रेड। हाँ क्लासिफिकेशन तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कर रहा है, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका ही है, कहे तो शुरू में ही कि हल्के में मत लीजिए इसको, बहुत भारी पड़ने वाला है। हाँ सब लोग रेड से, बिल्कुल ऐसे ही आंसर आते रहना चाहिए, रेड सही है, बहुत सही, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, इतना तरह का क्वेश्चन है अभी भरा हुआ है, टेम्पेस्ट है, हरिकेन है, साइक्लोन है, मानसून है, बताइए इसमें अलग कौन है, बताइए इसमें अलग कौन है। एकदम आया है, चुन चुन के लाए हैं, और उसी कहते हैं चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, वही आज क्वेश्चन है, चुन चुन के मारा जाएगा, पहले पकड़ेंगे इधर उधर से। आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं सोचो यार, अभी का काम कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर करना है, फिर अभी जाते हैं, क्वेश्चन सोचते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए आ सकता है, वैसा क्वेश्चन पकड़ते हैं, उसको फिर टाइप होता है, फिर पीपीटी बनता है, तब आपके सामने आते हैं, मेहनत से बताते हैं, फिर भी अगर अच्छा रिजल्ट आप लोग नहीं लाओगे तो बताओ कितना दुख होगा सुन के कि आप लोग अच्छा रिजल्ट नहीं लाते हो, इतना मेहनत आपको आप लोग के लिए ही कर रहे हैं हम लोग। कोविड काल में जैसे ही कोरोना से कुछ राहत मिलता है आपके पास आ जाए लेक्चर लेने के लिए आ गए कि आप लोग को पढ़ाना जरूरी है, इस कारण अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए, मेहनत करिए, इस बात को समझिए, ऐसे ही नहीं क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन। इसका बताइए मॉनसून, कुछ लोग कह रहा है मॉनसून, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, हरिकेन भी आ रहा है, मॉनसून भी आ रहा है। लेक्चर कैसा लग रहा है बताइए, आज का सेशन कैसा लग रहा है यह बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं। इसका सही जवाब है मानसून, बिल्कुल इसका सही जवाब है मानसून, क्योंकि टेम्पेस्ट, हरिकेन और साइक्लोन, आंधी हरिकेन और जो चक्रवात है, ये तीनों खतरनाक हवाएं हैं, ये तीनों नुकसान पहुंचाने वाली हवाएं हैं, लेकिन जो मानसून है वो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, फायदेमंद रहता है, इस कारण सबसे अलग है, कुछ डिफरेंट है। तो पता ही हिस्ट्री वालों, आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन, जरा सा लगाओ तो दिमाग देखे आप लोग का इतिहास कितना पानी में हो, इतिहास पढ़ के बताओ जरा सा इसका जवाब, चेल, चंदेल, पल्लव और चोल, इसमें कौन अलग है बताओ, एक भी काज आंसर गलत आया आप लोग में तो बोल देंगे हम आप लोग के टीचर से, शाम को क्लास लग जाएगा विधिवत, बताओ तो इसका सही जवाब क्या है, मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए,
इसी तरह से अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और जवाब दीजिए कमेंट का। इस तरह से आंधी छुड़ाते रहिए, मानसून ला दीजिए, हरिकेन ला दीजिए कमेंट का। बहुत लोग का चंदेल आ रहा है, कुछ लोग का चेर भी आना शुरू हो गया, देख लीजिए चंदेल चेर, कुछ लोग का चंदेल चंदेल। बताइए पल्लव आ गया, पल्लव आया है, चंदेल बहुत लोग का आ रहा है, बहुत सही। हिस्ट्री मतलब चल रहा है, अच्छी बात है, पढ़ेंगे अच्छे से तो क्यों नहीं आएगा यार। चंदेल चंदेल चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। चंदेल वाकई इसका सही जवाब है। चंदेल इसका सही जवाब क्यों है? क्योंकि चोल, पल्लव और चेर ये तीनों साउथ इंडिया की स्टेट हैं। बाकी जो चंदेल है वो कहाँ है? मध्य भारत का स्टेट, मुख्य रूप से राज्य था मध्य भारत का, इसका वंशज था मध्य भारत में, इसका क्षेत्र था या फिर नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं आप। इस कारण ये चंदेल अलग है, बिल्कुल सही। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, लाजवाब। शहनाई बांसुरी तुरही सारंगी, शहनाई फ्लूट ट्रम्पेट और वायोलिन में क्या अलग है? बताइए इसका क्या अलग जवाब है? बहुत बढ़िया सेशन है, जैसे लग रहा है खराब बॉलर विकेट ले जा रहा है, बिल्कुल खराब बॉलर ही तो विकेट ले जाता है। कभी कभी अश्विन वाला पढ़े थे कि नहीं ट्रिक, धागा जब खुल रहा था तो आर अश्विन, तो खराब बॉलर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सचिन तेंदुलकर ही आके ना यहाँ पे हेडन को आउट कर देता है, तो ही वाला बात यहाँ पे है। खराब बॉलर नहीं है, बहुत बड़ा बॉलर ये है, आप लोग इसको हल्के में ले रहे थे, यही गलती तो करने के लिए आज लाए हैं हम इसको आपके सामने। देखिए आंसर आप लोग आने लगा, ए बी सी डी सब मार दो, दिमाग का यूज करो और सही जवाब दो, दिमाग का यूज करो और सही जवाब दो। वाकई सही जवाब देना है, वायलिन 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 भर दिए हो, वायलिन भर दिए हो तुम लोग, हाँ एकदम इसी प्रकार से आंसर, लाजवाब। वाकई इसका सही जवाब वायलिन है, इसका सही जवाब वायलिन है। क्यों इसका सही जवाब है वायलिन? क्यों सबसे अलग है? क्योंकि ये जो तीनों है आपके सांसों से चलता है, सांसों से बजता है, मुंह के द्वारा जो हवा निकालते हैं उससे ये सब बजता है। शहनाई, बताओ तो भारत में सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे जिन्हें भारत रत्न का भी उपाधि दिया गया और वो बनारस तथा बिहार दोनों जगह से संबंधित थे, कौन है उनका नाम प्रमुख शहनाई वादक? आप लोग का सही जवाब है वायलिन, क्योंकि यह इसके बजाने के लिए सांसों या हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। हाथ से इस तरह से मोहब्बत मूवी देखे होंगे तो देखे होंगे इस प्रकार से बजता है, टिन 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 टिन। बताओ क्या नाम था उनका? और अगला क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन है सर्किल इक्लिप्स स्फेयर और क्यूब, सर्किल इक्लिप्स स्फेयर और क्यूब, इसमें सही जवाब क्या है? बिस्मिल्ला खां, वाकई बिस्मिल्ला खां भारत के सबसे, भारत के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इसका जवाब बताइए, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिस्मिल्ला खां बनारस से भी संबंधित थे, बिहार में जन्म हुआ था, बनारस उनका कर्मभूमि था। आएंगे अगर बीएचयू में, अगर आपको सौभाग्य मिलेगा पढ़ने का तो आप जाएंगे देखने बिस्मिल्ला खां का मकान, घाट के नज़दीक पे है, वहाँ पे बजाते थे वो। बताइए इसका सही जवाब क्या है 25 नंबर क्वेश्चन का? सर्किल इक्लिप्स स्फेयर क्यूब, इसका सही जवाब आप लोग आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, क्यूब सही है। क्यों क्यूब सही है बाबू? क्योंकि क्यूब एक गोलाकार नहीं है, बाकी सर्किल इक्लिप्स स्फेयर तीनों क्या है? गोल शेप के होते हैं, क्यूब गोल शेप का नहीं है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, फेल्डस्पार बॉक्साइट एजुराइट और क्रायोलाइट, बताइए एक तरह का खनिज बॉक्साइट एजुरिटी और क्रायोलाइट, इसमें कौन सा अलग है? बताओ जरा सा, लगाओ दिमाग आज, आज ज्योग्राफी यहाँ पे हिला देना है, ज्योग्राफी भी पढ़ लेंगे साथ साथ में यार, रीजनिंग के साथ साथ, टेंशन की बात नहीं है, बस आपके दिमाग में सब रहना चाहिए, एग्जामिनेशन टाइम में ये सब बहुत काम आने वाला है। अगर एक भी क्वेश्चन टकरा गया तो सोचो 3 नंबर आपका, गलत हुआ तो 4 नंबर गया। बताइए, बहुत बवाल सवाल है, इसका जवाब दीजिए। बताइए 26 नंबर का क्या सही जवाब है? बताइए 26 नंबर का सही जवाब क्या है? बताइए इसका क्या सही जवाब है? फेल्डस्पार बॉक्साइट एजुरिटी और क्रायोलाइट, क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब आप लोग का आ क्या रहा है? बॉक्साइट, बहुत लोग ए दे रहे हैं, फेल्डस्पार बहुत लोग बॉक्साइट दे रहे हैं, ए बहुत ज़्यादा आ रहा है, ए वही आ रहा है, जय बजरंग वाली है ना, जो ए मार रहा है वही है ना, जय बजरंग वाली पक्का बता रहे हैं, वही है तुम लोग, जय बजरंग वाली वाले जो मार रहे हो फेल्डस्पार को, सही सही बताओ यार।
देखिए इसका सही जवाब है सी। इसका सही जवाब है क्या है जी? राइट। ये तीनों जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्युमिनियम पढ़े हैं ना, एल्युमिनियम जानते हैं, तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट और फेल्डस्पार, ये तीनों क्या है? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। एल्युमिनियम इन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है। आपको जरा सा ज्योग्राफी बता दें कि ये जो अयस्क होते हैं जमीन के अंदर, यही सब मिलते हैं। इनको शुद्ध रूप में जब कहा जाता है तब फिर एजुरिटी मिलता है, तब फिर मतलब मिलता है आपको एल्युमिनियम मिलता है। इस कारण इसको ध्यान में रखिएगा, एजुराइट सही जवाब है। हाँ, वो वाला बिल्कुल नहीं है, कुछ अलग दिख रहा है, मतलब अलग देखने वाले हैं सिर्फ, समझने वाले कुछ नहीं। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए। 27वां नंबर, बैलेट, मैनिफेस्टो, इलेक्शन और वोट। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल, इसका जवाब दो। बहुत सिंपल सवाल, जवाब दीजिए बिल्कुल। लास्ट में बताना है ईमानदारी से कितना सही किए हो। और जो लोग कह रहे थे इसे कल क्लासिफिकेशन सोचे, तो बहुत लोग को लगा ये बहुत हल्का टॉपिक है सर, क्या इसको पढ़ाएंगे सर। जरा सा देख ले आज का रिजल्ट आ रहा है। बी बताइए, बैलेट क्या है? बैलेट, मैनिफेस्टो, इलेक्शन और वोट। बी आप लोग ला रहे हैं, कुछ लोग सी ला रहे हैं, कुछ लोग बी ला रहे हैं, एक आंसर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब है इलेक्शन। इलेक्शन के अंतर्गत ही तो ये तीनों आते हैं। इलेक्शन जब घोषणा होगा तब तो उसमें घोषणा पत्र जारी करेगा पार्टी अपना अपना, फिर उसके बाद मतदान होगा, उसमें लोग वोट जाकर डालेंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले इलेक्शन जरूरी है। तो इसके लिए क्या सही जवाब है इसका? इसका सही जवाब है इलेक्शन। इसका सही जवाब क्या है? इलेक्शन। अब बढ़िया, अगला क्वेश्चन ये देखिए, शानदार सवाल आपके लिए, शानदार सवाल है ये, एकदम शानदार, जान डालने वाला सवाल है ये, आज के सेशन में जान डालने वाला सवाल। कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमिरल, बताइए इसका सही जवाब क्या है, इसमें अलग क्या है? कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमिरल, इसमें अलग क्या है बताओ जरा सा। आज देख ही लेते हैं, सबका दिमाग का टेस्ट आज ही हो रहा है, सबके दिमाग का टेस्ट आज ही हो रहा है। जल्दी जल्दी जज साहब, जज साहब से तलाक का अर्जी मिल जाएगा, चिंता मत करिए, बस कुछ देर और। मज़ा नहीं आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है तो ज़रा सा रुकिए, जज साहब कहाँ भागे जा रहे हैं, 5 बजे से आएंगे, अभी तो 4 ही बजा है, अभी तो 4 ही बजा है। ब्रिगेडियर, एडमिरल, सब लोग आंसर देना। कमोडोर, क्या बात है, ऐसा आंसर होता है क्या? देखिए इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब है ब्रिगेडियर। इसका सही जवाब क्या है? ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में जानते हो कौन सा मूवी आता है? तिरंगा। तिरंगा मूवी का भी देखना, उसमें ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर है कौन, राजकुमार बने हैं। बाकी जो तीनों हैं, कमांडर, कोमोडोर, एडमिरल, ये तीनों नेवी के अधिकारी होते हैं। किसके अधिकारी होते हैं? नेवी के अधिकारी होते हैं। बाकी ये क्या है, ब्रिगेडियर जो है सिर्फ थल सेना का अधिकारी होता है, ये बाकी तीनों किसका है? नेवी का अधिकारी है। इसका अगर आपको ऐसा सवाल आए तो क्या हो जाएगा? ब्रिगेडियर इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झील, रवि, झील, नदी, हवा, धारा में क्या अलग है? बस 10 क्वेश्चन और है, इसके बाद हम लोग तुरंत अपने पहुंचेंगे अपने लक्ष्य की ओर। आज एकदम हिला देना है, बताइए इसका सही जवाब क्या है? ब्रिगेडियर से आगे बढ़ो वीरो, और इसका जवाब दो। लेक, रिवर, वाइंस, करंट में क्या अलग है? कुछ लोग वाइंस कह रहे हैं। चलिए उत्कर्ष यहाँ जवाब दीजिए। अरे नहीं होगा तलाक अभी जज साहब से, चिंता मत करो, अभी जज साहब हैं, नहीं लेंगे तलाक। वाइंड अलग है, बाइंड अलग है, बाइंड अलग है, क्यों बाइंड अलग है, वाइंड अलग क्यों है, वाइंड अलग क्यों है? कुछ नहीं सोचता है, सब महाबैल है, शुद्ध बैल है, विशुद्ध बैल है, जितना कहा जाए उतना कम हो, कुछ नहीं सोचोगे, बस अलग दिमाग चलेगा। दूसरा तरफ दिमाग लेके चलिए तब खूब दिमाग काम करता है, यहाँ पे अलग ढूंढने के लिए कह रहे हैं तब कुछ नहीं मिलेगा। इसका सही जवाब लेक है। क्या है इसका सही जवाब बाबू? इसका सही जवाब लेक है। क्यों लेक है? क्योंकि ये तीनों में फ्लो रहता है,
जो लोग कह रहे हैं नदी या फिर कह रहे हैं हवा कि हवा, अरे तो धारा भी रहता है ना, जो करंट है वो करंट का अर्थ जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी का ही रहे, करंट हवा का भी होता है। तो इस कारण करंट मत समझिएगा कि यहाँ पे आप लोग कुछ लोग रवि रिवर कह दिए, विंड कह दिए, इसमें फ्लो होता है, इस कारण ये तीनों एक कैटेगरी के हो गए। और लेक जो है वह एक झील रहता है, शांत अस्थिर दिमाग का बैठा हुआ एकदम चुपचाप, तो इस कारण वो सबसे अलग हो गया। और बाकी सब क्या है, आप लोग की तरह उछलते कूदते रहेगा, इस कारण ये सब अलग हो गए। लीजिए अगला सवाल, जलीय पक्षी शुतुरमुर्ग, जलासिंह और एक चिड़िया, एल्बेट्रस, ऑस्ट्रिच, पेलिकन और पेंगुइन, इसमें कौन सा अलग है, बताओ जल्दी से। कुछ भी नहीं, बाकी सब वाटर से रिलेटेड है, वही तो मैं समझाया कि करंट सिर्फ वाटर से रिलेटेड नहीं है, करंट वाइंड से भी रिलेटेड है। तो ये सब गलती मत करिएगा, इसी कारण मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। लेक मूव नहीं करता बिल्कुल, झील कहीं देखो क्या, झील आज भारत में है, कल जाके अमेरिका में बस गया और परसों चला गया आपके जिला में, बताइए तो जल्दी से इसका जवाब। ऑस्ट्रिच आप लोग को अलग लग रहा है इसमें, ऑस्ट्रिच आप लोग को अलग लग रहा है, ऑस्ट्रिच अलग है। तो देखो पेंगुइन वाले भी आ गए, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन में अब कर लीजिए आपस में बवाल आप लोग। बाकी इसका सही जवाब ऑस्ट्रिच है, क्योंकि ये तीनों जलीय पक्षी हैं, ऑस्ट्रिच जलीय पक्षी नहीं है, सही जवाब है आप लोग का। चलिए इसको बताइए, ग्रेफाइट, पेरल्स, डायमंड, कोल, ग्रेफाइट मोती, हीरा और कोयला, इसमें कौन सा अलग है, जवाब दीजिए इसका। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है, जल्दी बताइए इसका क्या है, ग्रेफाइट, पेरल, डायमंड, कोल, इसमें अलग कौन है, तो सिंपल सवाल है, इसमें तो कोई गलत नहीं होना चाहिए, एको गलत किया तो कान आकर तोड़ देंगे हम, मारेंगे कान पे चटाक से। एफ वाइफ ऑफ उत्कर्ष आ ही गए, एफ भी बन गया। सही है उत्कर्ष, तुम्हारा ही, तुम भी पढ़ रहे हो, आपकी पत्नी भी पढ़ रही है, क्या मतलब है, दोनों लोग गलत भी कर रहे हो, बहुत सही, शानदार। देखिए पेरल इसका सही बात है, क्योंकि ये जो तीनों है ये कार्बन का रूप ही है, ये ग्रेफाइट, डायमंड, कोल किसका है, कार्बन का रूप है, तो इस कारण क्या है, मोती जिसका भी है बिल्कुल सही है, आप लोग हीरा मोती हैं, हीरा मोती लीजिए इसका बनाइए। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरियस्कोप, स्टेथोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, परिदर्शी और परिश्रावक, बताइए तो जरा सा इसका कौन आपको अलग दिख रहा है, बताइए जल्दी से बराक ओबामा। बताइए, हो गया उसका मोती, हो गया, आगे बढ़िए आप, वेरी गुड, इसका बताओ सही जवाब क्या है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरियस्कोप और स्टेथोस्कोप, क्या इसमें अलग है, कमेंट का एकदम धूड़ी लगा दें इसी प्रकार से, एक भी जब कलम चलाना ही नहीं है तो कमेंट का है रुकेगा, लेकिन इतना भी आप लोग कर दे रहे हैं कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कौन क्या कमेंट दिया, इतना तेज कमेंट कर रहे हैं आप लोग। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है, स्टेथोस्कोप, इसका बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, स्टेथोस्कोप बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, स्टेथोस्कोप इसका सही जवाब है, क्योंकि ये तीनों लाइट वाला यंत्र है, प्रकाश से देखने वाला यंत्र है, लेकिन ये धड़कन समझने वाला है, धक धक धक, वही वाला स्टेथोस्कोप है, ठीक, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर अपने कान पे लगा के आप जो तबीयत खराब होता है तो देखते हैं। तो लीजिए अगला सवाल आपके लिए आ गया, बफेलो, स्टैग, कैमल और राइनासोरस, भैंस, बारहसिंघा, ऊंट और गैंडा, इसमें बताइए। तो ये अगर आपको देखने में लग रहा होगा हल्का सवाल है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है यह, जो इसको बना दिया ईमानदारी से सोचो कि उसके पास सोचने की बहुत क्षमता है। क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से एक या दो आएगा, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो सोचिए कितना आपको घाटा हो जाएगा, इस कारण क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बताइए, देखिए कैमल आ रहा है, कुछ लोग कैमल कह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कैमल कह रहे हैं, कैमल कुछ लोग बफेलो कह रहे हैं, कैमल और बफेलो में बवाल हो रहा है, कैमल और बफेलो में बवाल हो रहा है, भैंस और ऊंट, अरे कोई एक ही अलग है, तीन एक ही लेवल का है, बताइए लेवल समझिए कौन सा है। कैमल कैमल कैमल, इतना तेजी से कमेंट, वेरी गुड, आप लोग का सही जवाब है, अरे सब लोग तेज लोग हो यार, कैमल सही जवाब है इसका। क्यों कैमल सबसे अलग है, क्योंकि इसके पास भी सींग होता है, इसके पास भी सींग होता है, सींग मतलब हॉर्न, इंग्लिश वाले समझ लीजिए, और इसके पास भी सींग होता है, तो सींग वाला जो होता है वो तीनों सींगधारी हैं, बहुत बड़े ऐसे वाले, और ये क्या है, कैमल है या ऊंट है, इसके पास नहीं होता है, इस कारण सबसे अलग हो गया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, व्हीट, पैडी, ज्वार और मस्टर्ड, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, गेहूं, धान, ज्वार और मस्टर्ड में, वेरी गुड,
कैमल का हॉर्न नहीं होता, हैरी पॉटर, सही कह रहे हैं आप। आ गए अमेरिका से क्या घूम के आप? वेरी गुड, बताइए इसका सही जवाब क्या है? मस्टर्ड, सचिन ले लिए। आ गए, अरे तेंदुलकर का ही कमी था यार, आप आ ही गए। सचिन ले लिया आपका नाम, बताइए इसका जवाब। चलिए मस्टर्ड, मस्टर्ड बहुत लोग कह रहा है, बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। ये तीनों खाने का चीज़ है और ये लिक्विड है, मुख्य रूप से इससे अलग कर सकते हैं, उसके बाद इससे तेल निकाला जा सकता है, इन तीनों से तेल नहीं निकाला जा सकता, इस रूप से भी अलग कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। वोल्ट, पावर, वॉल्यूम और फोर्स, ये भी देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, बताइए वोल्ट, पावर, वॉल्यूम और फोर्स में कौन अलग है? वोल्ट, पावर, वॉल्यूम और फोर्स में कौन अलग है? अभी नींद नहीं आना चाहिए दोपहर में, दोपहर का नींद तोड़ना है तभी तो आप जुड़ पा के पढ़ेंगे। कुछ लोग अभी सोते हुए होंगे वही बैल के नींद में, बैल के नींद में सोएंगे तो कहाँ से सीखेंगे? पीडीएफ से सीख लेंगे, वही वाले हो जाएंगे पीडीएफ वाले, रावी के सिंधु, वही काम करेंगे आप लोग। बताइए इसका सही जवाब क्या है? वोल्ट, पावर, वॉल्यूम, फोर्स, इसका सही जवाब क्या है बताइए? बिल्कुल इसका सही जवाब वोल्ट ही है, इसका सही जवाब वोल्ट ही है, वोल्ट इसका सही जवाब है, वॉल्यूम नहीं बैलों, इसका सही जवाब वोल्ट है। इसका सही जवाब क्या है? वोल्ट इसका सही जवाब है, वॉल्यूम कह रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही जब एक कह दिया तो सब लोग निकाल दिए, क्योंकि ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये सब? सभी फिजिकल क्वांटिटी है, और जो वोल्ट है किसी का यूनिट है, वोल्ट क्या है? यूनिट है, लेकिन ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, पावर है, वॉल्यूम है, फोर्स है, ये सब का कुछ यूनिट होता है, लेकिन वोल्ट खुद में एक यूनिट है, इस कारण वोल्ट सबसे अलग हो गया, वॉल्यूम का धुरी लगाए हुए थे। वाह रे वाह, क्या बात है, हाँ वॉल्यूम। क्रांतिकारी अभिषेक कह रहे हैं मैं पीडीएफ वाला नहीं हूँ, बिल्कुल अभिषेक मैं आपको देखता हूँ, आप पीडीएफ वाले नहीं हैं। ले लिए प्रिया रानी आपका नाम, और बताइए 36 नंबर सवाल, आपका सवाल आ गया लुक, ब्यूटी, कैरेक्टर और क्यूटनेस, बताइए आप ही का सवाल है, आप ही लोग के लेवल का, जिसके पीछे आप लोग पागल हैं उसी का सवाल आ गया। लुक्स, मुझे लुक चाहिए, ब्यूटी, कैरेक्टर और क्यूटनेस, सही बात है, बिना एग्जाम के पास होने का साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है अभी से ही। वेरी गुड, बनाइए इसका लुक, ब्यूटी, कैरेक्टर, क्यूटनेस, इसका सही जवाब क्या है? कैरेक्टर, वाकई इसका सही जवाब कैरेक्टर है, चरित्र इसका सही जवाब है। क्यों चरित्र है? क्योंकि यह आपका इंटरनल गुण होता है। क्या होता है? इंटरनल गुण होता है, चरित्र किसी का चेहरे पर दिखता नहीं है कि वो किस चरित्र का व्यक्ति है, लेकिन ब्यूटी जो है, लुक है, क्यूटनेस है, वो सब दिख जाता है चेहरे पे ही ऐसे, अच्छा ये क्यूट है, ये ब्यूटी है, इसके पास लुक है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो सबका भीतरी गुण होता है, इस कारण कैरेक्टर सबसे अलग हो गया। बात समझ में आई बच्चों? तो लीजिए अगला सवाल, मरकरी, एसीटोन, पेट्रोल और केरोसिन, मरकरी, एसीटोन, पेट्रोल और केरोसिन, इसमें सबसे अलग कौन है बताइए? मरकरी, एसीटोन, पेट्रोल और केरोसिन में सबसे अलग कौन है? सवाल का झड़ी अभी है, अभी बचा हुआ है क्वेश्चन, भागना नहीं है, अभी क्वेश्चन करते रहना है लगातार और सीखना भी है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या है? मरकरी, वाकई इसका सही जवाब मरकरी है, क्योंकि यह एक मेटल है और बाकी सब मेटल नहीं है, इस कारण यह क्या है? सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीजन, क्रो, पैरट और कीवी में क्या अंतर है? पीजन, क्रो, पैरट और कीवी में क्या है? पीजन, क्रो, पैरट और कीवी में बताइए कौन अलग है? जल्दी जल्दी बताइए इसका। हाँ चलिए, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, कीवी, कीवी आंसर आना शुरू हो गया, कीवी आंसर आना शुरू हो गया, बिल्कुल कीवी इसका सही जवाब है, क्योंकि यह नहीं उड़ने वाला पंछी है, यह नहीं उड़ने वाला पंछी है। देखो एगो बैल हमको भी व्हाट्सअप कर रहा है, जब हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो अपना वाला जो बैल है वो व्हाट्सअप कर रहा है, एक पर एक है, क्या करोगे। लो अगला सवाल आपके लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, सांगपो, हजारीबाग, कान्हा और बांदीपुर, बताइए इसका अलग कौन है? इसमें बताइए इसमें अलग कौन है? इसमें बताइए अलग कौन है? सांगपो, हजारीबाग, कान्हा और बांदीपुर में अलग कौन है? की भी सही जवाब है आप लोग का, इसका बताइए सही जवाब क्या है? सांगपो, सांगपो क्या होता है? सांगपो एक नदी का नाम है बाबू, सांगपो, बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या है?
शंगपो 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 आ रहा है, हजारीबाग कान्हा और बांदीपुर क्या है, हजारीबाग कान्हा और बांदीपुर एक राष्ट्रीय उद्यान है, इस कारण ये सेम हो गया। बाकी शंगपो आप लोग का सही है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत सही, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत सारा, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। लीजिए आज का थायरोक्सिन, एड्रोलाइलिन, आयोडीन और इंसुलिन, क्या है इसका अलग, इसमें क्या है अलग बताइएगा जल्दी से, इसमें क्या है अलग, इसमें क्या है अलग बताइएगा, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, आयोडीन और इंसुलिन, इसमें अलग क्या है। शंकर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है, आयोडीन नमक, आयोडीन नमक बिल्कुल इसका सही जवाब है, क्योंकि बाकी तीनों हार्मोन्स हैं। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, यह भी क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा है, मतलब जितना बार कह लीजिए उतनी बार पूछा है। तो इसको भी देखो, कुछ लोग इंसुलिन कह रहा है, बैल का कमी नहीं है, एकदम शुद्ध वाले हैं अभी भी टिके हुए। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा, इसमें अलग कौन है, इसमें अलग कौन है, बताओ जल्दी से इसका सही जवाब, डिफरेंस आपको बताना ही है, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। तो आपको दिखेगा इसमें कि विजयवाड़ा क्या है, सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि ये तीनों कैपिटल है, उड़ीसा का कैपिटल है, ये कर्नाटक का कैपिटल है, ये केरला का कैपिटल है, ये सिर्फ कैपिटल नहीं है, इस कारण ये सबसे अलग हो गया। वेरी गुड, ए बी सी डी लिखा करो जल्दी से। अब बताओ, देखो जो इसका टाइप का क्वेश्चन आता है वर्ड्स में, उसमें कुछ ग्रुप टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन कर लेते हैं ग्रुप टाइप के, इसमें दो इधर रहेंगे, दो शब्द इधर रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए, और आपको पहचानना है कि इसमें अलग कौन है, ये आपको पहचानना है। तो जैसे देखिए जो क्वेश्चन है 42 नंबर, कार रोड, शिप सी, रॉकेट स्पेस, एरोप्लेन पायलट, तो यहां पे कार रोड पे चलती है, शिप सी में चलता है, रॉकेट स्पेस में जाता है, एरोप्लेन तो हवा में उड़ता है ना, लेकिन यहां पायलट लिखा हुआ है, तो ये सबसे अलग हो गया, इस कारण क्या होगा, ये राइट आंसर। बिल्कुल इसी प्रकार आंसर आते रहना चाहिए। अब बस पांच सवाल और है आपके लिए, ज्यादा नहीं, बस पांच सवाल और, ओनली 5 क्वेश्चन, उसके बाद होमवर्क। ब्यूटी, ब्यूटिशियन पार्लर, केमिस्ट, मेडिसिन, लॉयर, कोर्ट, इंजीनियर, साइट, इसमें बताइए क्या सही जवाब है, इसमें अलग कौन है, ए बी सी डी में अलग कौन है। इसमें आप लोग का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है, शानदार, जबरदस्त। इसका देखिएगा, ब्यूटिशियन है जो अपना काम पार्लर में करती है, ऐसा तो है नहीं कि चली जाएगी कोर्ट में काम करने, तो ब्यूटिशियन पार्लर में काम करती है, लॉयर कोर्ट में काम करता है, इंजीनियर अपने साइट पे काम करता है, सिर्फ केमिस्ट जो है यहाँ पे देखिए मेडिसिन लिख दिया है, तो केमिस्ट मेडिसिन में थोड़े काम करता है, केमिस्ट जो है या तो डॉक्टर के पास काम करेगा या तो फिर लेबोरेटरी में काम करेगा, इस कारण क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग है। मजा आ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम हो रहा है। फिश पिसिकल्चर, वर्ड्स हॉर्टिकल्चर, बीज एपिकल्चर और सिल्कवॉर्म सेरिकल्चर, बताइए इसमें अलग कौन है, बताइए इसमें अलग कौन है। ये सब सब आपको याद रहना चाहिए था जीके के लिए, ये सब सब आपको याद रहना चाहिए था जीके के लिए। बताइए 44 का सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है। फिश देखिए पिसिकल्चर सही है, फिश पिसिकल्चर किसका है, फिश का अध्ययन को पिसिकल्चर कहते हैं, बीज के अध्ययन को एपिकल्चर कहते हैं, सिल्क वॉर्म के अध्ययन को सेरिकल्चर कहते हैं, लेकिन बर्ड्स के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। वेरी गुड, शानदार। इसी प्रकार से आप लोग को जुड़ के काम करना है, और बताइए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवेस्ता पारसी, तोरहा यहूदी, त्रिपिटक बुद्धिस्ट और टेम्पल हिंदू, बताइए तो इसका सही जवाब, जरा सा आप लोग का दिमाग का टेस्ट कर लिया जाए, 700 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या है। एकदम आज कमेंट को इसी प्रकार से ए बी सी डी पकड़ के टाइप कर दो, जो आए मन में वही लिख दो। इसका देखिए, अवेस्ता जो है पारसी का पवित्र धर्म ग्रंथ है, ज्यूस जो है इसका पवित्र धर्म ग्रंथ है तोरहा, बुद्धिस्ट का पवित्र धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में सूत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, तो बुद्धिस्ट का क्या है, त्रिपिटक, लेकिन हिंदू का यहाँ टेम्पल दे दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, इस कारण ये सबसे अलग हो गया। समझ में आई कि नहीं बात आई, बताइए इसका जवाब दीजिए। सहारा अफ्रीका, थार इंडिया, कालाहारी अमेरिका और गोबी मंगोलिया, दिमाग का टेस्ट करो, एकदम आंसर में चूक नहीं होना चाहिए, हर एक का आंसर देना है, सोचते समझते हुए आंसर देना है, तुरंत तुरंत देना है, देखते हुए नहीं, एकदम बिल्कुल सही है आप लोग, बहुत शानदार।
आकाश प्रत्युष बिल्कुल सही है। देखिए सहारा कहाँ है, अफ्रीका है। थार कहाँ है, इंडिया है, बिल्कुल सही है। गोभी कहाँ है, मंगोलिया में है। मतलब जो स्थल जहाँ जहाँ है वहाँ लिखा हुआ है। ये बताइए कालाहारी कहाँ में है, तो कालाहारी यहाँ अमेरिका लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, ये अफ्रीका में है। इस कारण क्या हो जाएगा, ये सी सबसे अलग हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बता दीजिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग 47 के पास आ चुके हैं। दो तीन सवाल और है, दो सवाल बस और है। चलिए बताइए म्यूटलर है क्या, प्रोटीन्स, क्यूरी है रेडियम, यहाँ बेक्यूरल है रेडियो एक्टिविटी, आइंस्टीन टेलीविजन, कौन अलग है? इसका तो कोई भी जवाब दे देगा। सिंपल सा सवाल है कि यह म्यूडलर है प्रोटीन्स का खोज करता है, क्यूरी रेडियम का खोज की थी, बेक्यूरल है जो रेडियो एक्टिविटी को खोजा था, लेकिन आइंस्टीन यहाँ देखो टेलीविजन लिख दिया है, गदावा। आइंस्टीन यहाँ ई बराबर एम सी स्क्वायर कौन दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन दिया था, एक फोटोन के रूप में। अभी आपको हम फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाले हैं। आइंस्टीन और टेलीविजन का खोज कौन किया था, जेल बियर्ड्स। वेरी गुड। अगला सवाल, और अगला सवाल नहीं कल का होमवर्क, आज का सवाल इतना ही। अब कल का होमवर्क जो आप लोग को दिए थे, बहुत बच्चे कमेंट में लिखे, बहुत अच्छी बात है, शानदार लिखे थे। 3, 7, 16, 35 गैप, 100 क्या है, 100 100 100 क्या है बाबू, ये देखिए, ये अभी तंग करते रहता है आपको हमेशा, 153। देखिए 3 से 7 पे कैसे पहुंचा गया, 3 × 2 + 1, 7 से 16 पे कैसे पहुंचा गया, 7 × 2 + 2, 16 से 35 पर 16 × 2 + 3, तो 35 से इसमें कैसे पहुंचेंगे, 35 × 70 + 4, तो जिनका भी 74 था वो बिल्कुल सही है, शानदार, बिल्कुल आप लोग एकदम सही में क्रांतिकारी मचाए हुए हैं, क्रांति एकदम मचाए हुए हैं। लीजिए कल का होमवर्क आपके सामने है, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ने में मजा आया, कुछ सीखे हैं, तो ये दोनों सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वही सेंसियर स्टूडेंट माने जाएंगे। पहला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, ओनोमेटोलॉजी नेम्स, नाइडियोलॉजी नेम्स, साइकोलॉजी एल्गी, कॉन्कोलॉजी सेल्स, यहाँ पेट्रोल कार है, इंक पेन है, गार्बेज डस्टबिन है और लीड पेंसिल है। तो ये आपका कल का होमवर्क है। तो बताइए कैसा लगा आज का सेशन, मज़ा आया कि नहीं आया, जरा सा आपका कमेंट देख ले। लास्ट में जरा सा तेज करना पड़ा था क्योंकि समय हो चुका है मेरा, जज साहब के आने का टाइम हो गया है, मेरे ऊपर धारा भी लगने की संभावना है। क्या चाहते हो, जेल चले जाएं? बताओ कैसा लगा हिंदी का क्लास, बेचैन शैतान, अरे सब बेचैन हो, सब बेचैन हो गया, कैसा लगा क्लास, मजा आया कि नहीं? हाँ बताओ, हम तो भूल ही गए, बताओ किसका कितना है, लगभग हम लोग कितना क्वेश्चन किए भाई, एक सेकंड रुको देखने दो हमको, कितना क्वेश्चन किए, 47। कमेंट बॉक्स में लिखना है किसका कितना सही हुआ, ईमानदारी से लिखना है, वो झूठ वाला बात नहीं, हम सबका कमेंट देख लेंगे लाइन में कौन का दिया है, ईमानदारी से लिखना है किसका कितना सही जवाब है, मजा आया कि नहीं? कोई बात नहीं, हेल्पिंग ऑफ अर्थ नहीं जानते थे तो। सेशन अच्छा लगा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपकी इच्छा होगी। तब मिलते हैं कल इसी टाइम पे 3 बजे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग पढ़ने आए सिंसियर पूर्वक, और बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। मिलते हैं कल।